खुदा कसम इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करेगा, कोई भी मुल्क हो, इंडिया हो, जो भी हो, हम पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। हम पाकिस्तान फौज के साथ अफगान और पठान जितना भी है लरोबर खड़ा नहीं होगा, वो उसी के साथ खड़ा होगा जिसने पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, जो कि इसी पाकिस्तान, इसी जर्नल और कर्नलों ने हमारे पठानों को तबाह बर्बाद कर दिया, लरोबर अफगान को, हमारा औरतें उठाया, हमारे बच्चों को मारा है। कोई बोलेगा तो ये क्या बात करता है, हम सच्ची बात करता है। इसी पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत, इसी कर्नलों जर्नलों ने हमारे अफगानिस्तान के ऊपर डाल लिया लरोबर अफगान के पठानों के ऊपर। 1980 में जो रशिया आया था तो ये 70 मुल्क इकट्ठा होकर, ये 70 मुल्कों से डॉलर लेकर और हमारे अफगानिस्तान में जिहाद के नाम पर हमारे अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। लाखों करोड़ों लोग मर गए, हमारा शहीद हो गया, काबुल को जमीन से उन्होंने हटाया, बिल्कुल जीरो कर दिया काबुल अफगानिस्तान को। और फिर 2001 में फिर ये जर्नल और कर्नल पाकिस्तानी रियासत, हम आम लोगों की बात नहीं करें, फिर उन्होंने 40 और 50 मुल्कों के साथ इकट्ठा होकर हमारे सर के ऊपर डॉलर लिया और अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी किया, हमारे बच्चों को मारा है, हमारे मौलवी लोगों को मारा है। और फिर जो मकबूजा अफगानिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा जिस पे उन्होंने 75 साल से कब्जा किया, इधर भी डॉलर लिया, इधर भी लोग मरवाया, अफगानिस्तान में भी लोग मरवाया और 50 मुल्कों के साथ इकट्ठा होकर हमारा तबाही और बर्बादी किया। तो हमारा हक नहीं बनता कि हम किसी और कंट्री के साथ खड़ा होकर इसी जर्नलों और कर्नलों से पाकिस्तान के खिलाफ जो भी लड़ाई करेगा, खुदा कसम हम उसके साथ खड़ा है। आज जो 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 बाजवा के साथ हुआ, हमारा दिल को ठंडा लग गया, जो कि इसी दहशतगर्द जर्नल और कर्नलों ने हमारे साथ वो काम किया जो उन्होंने बंगालों के साथ किया, हमारे पठानों के साथ ये काम किया। और एक बात याद रखो, पाकिस्तान के जर्नलों और कर्नलों, आपका टाइम खत्म होने वाला है, आपका टाइम खत्म हो चुका है। खुदा कसम अभी पाकिस्तान पांच मुल्क बनेगा, पांच मुल्क, एक आजाद पश्तूनिस्तान, एक अफगानिस्तान के साथ इकट्ठा हो जाएगा। ये हमारा ईसाई अटक तक इस पर आपने 75 साल से कब्जा किया, पठानों को मारे, पठानों के साथ सर के ऊपर पैसा लिया, ये आपसे अभी हम आजाद पश्तूनिस्तान मांग रहे या अफगानिस्तान के साथ इकट्ठा हो जाएगा, गिलगित बलूचिस्तान से अभी चला जाएगा, कश्मीर भी आपसे चला जाएगा, पंजाब भी आपसे चला जाएगा, सिंध भी हमारे से चला जाएगा, इंशाल्लाह सब आजादी लेगा, जो कि आप दहशतगर्दों की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज का जलालत का दिन आने वाला है। और खुदा कसम जहां पर भी हम आपको देखेगा, जो बार मुल्कों में जो भी जर्नल होगा, जो भी कर्नल होगा, जो भी आईएसआई का कोई इंटेलिजेंस वाला होगा, उसी का अंजाम इससे बदतर होगा जो आज फ्रांसा में जो बाजवा के साथ हुआ। दिल को ठंडा लग गया और इंशाल्लाह जल्दी ये जो है ना हम अटक पर लगाएगा और बनेगा बड़ा अफगानिस्तान, लरोबर एक अफगान। और हम एक आपके साथ अभी नहीं रहना चाहता है, पठानों ने पैसा अलग कर दिया, 75 साल आपने पठानों को यूज किया, मारा है उसका, औरतों के साथ आपने क्या किया, ये सब लोगों को पता है। इंशाल्लाह आपका टाइम आने वाला है कि हम जुदा हो जाएगा आपसे और आप अपना ईसा ले लेगा, जो कि आपने हमारे साथ जो किया वो सारा दुनिया को पता है। अभी पठान जाग गया, जो पठान बेगैरत होगा जो आपके साथ खड़ा होगा, इंशाल्लाह लरोबर पठान अफगान इकट्ठा होगा और आपसे आजादी ले लेगा और आपको जिल्लत और मरवाएगा जैसे आपके साथ ये हो गया। खुदा तो अफगानिस्तान जहाद करेगी यार, मैं नहीं हो यार, वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बताता हूँ। पुलिस तो बुलाओ, बुलाओ पुलिस को, पुलिस को बुलाओ, पेंचोत गांडू दाऊ को रिमोट।